जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी जिला के जयनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां जयनगर थाना क्षेत्र के बेला गांव के वार्ड नंबर 4 में एक ही समुदाय में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से एक दर्जन लोग घायल हो गए। परिजनों व ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सक के अनुसार सभी घायल खतरे से बाहर बताया गया है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार शुक्रवार की दोपहर बेला गांव स्थित मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद बच्चों में वितरण करने वाले मिठाई को एक पक्ष के द्वारा बिना पूछे मिठाई उठा लिया गया, जिस कारण मामूली विवाद हुई और देखते देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों ओर से पत्थरबाजी होने के कारण कई मकानों का अस्वस्थ क्षतिग्रस्त हो गया। पथराव और छुरेबाजी के कारण दोनों पक्षों से एक दर्जन लोग घायल हो गया। देखिए इस खास रिपोर्ट को। हकीकत अंदरूनी मध्य जाने से पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो अभी जो वहाँ का माहौल बना था इस तरह का कि कई गो मर्डर हो जाता, लेकिन मैं प्रशासन को खबर किया जयनगर थाना के बड़ा, लेकिन मानेंगे प्रशासन के आने से वहाँ बात व्यवस्था बना है। दोनों पक्ष को हॉस्पिटल लाया गया है, अभी इलाजरत है, अभी स्थिति नियंत्रण में है। और परिस्थिति जो सिरनी के लिए हुआ, जो आप लोगों को जानकारी होगा ही, मस्जिद के सिरनी के लिए आपस में दोनों पक्ष, मतलब वहाँ दो पक्ष है, दो ग्रुप जैसे कहा जाएगा, और दोनों भिड़ंत हो गया और उसी में मारामारी हुआ है, जिसके कारण 6-7-8 आदमी घायल है। उसको जयनगर पूर्व का विवाद आपसी गांव घर में थोड़ा बहुत इधर उधर तो रहता ही है ना, अब उसके वजह से इस तरह का खूनी खेल तो नहीं खेलना चाहिए इस तरह। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर हाशमी, बेली पश्चिमी सरपंच। मस्जिद में सब लोग नमाज पढ़ रहे थे तो सीनी रखा रहता है, तो बच्चे लोग सीनी की वजह से अक्सर झगड़ा हो जाता है। सीनी हटा के रखे, एक लड़का जो है ना बोला हमको सीनी चाहिए, हमको जब सीनी बटेगा तो सब बाद में मिलेगा। वो लड़का क्या हाथापाई कर लिया, हाथापाई करे एक तो इनके हाथापाई करने की वजह यह है कि अब्दुल के इशारे पे ये जो हम लोग का दियाद है वो इनका लड़ता है आपस में, ठीक है। जब तक ये अब्दुल कुछ नहीं बोलेंगे ना, अब्दुल कलाम सब्दुल ये, उसके बाद आप हो गया सलाउद्दीन, ये लोग जो है ना सलाम, इनके इशारे पे ये लोग हम लोग से लड़ लेते हैं। हम लोग का कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ इन लोग का, लेकिन इनकी वजह से अक्सर झगड़ा लड़ाई होता है। एक बार नहीं, कई बार, जितनी बार भी झगड़ा लड़ाई हुआ है इन्हीं लोगों की वजह से है। यहाँ तक कि हथियार तक निकल चुका है, तलवार तक निकल चुके हैं। आप कितने लोग हैं? आप सबको घायल हुआ? हमारे तरफ से 7 आदमी घायल हुए हैं। मामला क्या था ये बताइए? मामला सीनी का था, लेकिन इनके बहकाने पे ये लोग अक्सर झगड़ा लड़ाई करते हैं, पूर्व का भी बात अक्सर होता रहता है। क्या नाम हो गया आपका? क्या नाम? मेरा नाम शौकत अली। नमाज पढ़ने गए थे, नमाज पढ़ के जब दुआ हो गया हम घर आ गए, मेरा भाई रह गया उसी में, क्योंकि तो जिलेबी के लेकर के शौकत का भाई जो है इसका क्या नाम है, उसका बिल्ली नाम है, वो इसका हाथ में चढ़ दिया इसका, ठीक है। इसे बोला मगर बच्चा है हाथ में चलेगा तो बोलवे करेगा, इसमें सब भाई मिल के मेरा भाई को, इसको रुबिन को, मेरा भाई को, तीन को मारना स्टार्ट कर दिया। हमको घर पे थे, एक बच्चा आया बोलने के लिए, हम गए देखते ही सब क्या क्या बाहर अपना दरवाजा के पास तलवार लाठी उठी सब ले गया, फारूक बंदूक ले गया था, बंदूक बाड़ी में फेंक दिया, ठीक है। वो सब उसके बाद जुमराती जो है उसका हाथ, जुमरात बारह था उसी दिन उसका हाथ टूटा, लेकिन वो अभी आया हाथ मतलब सही करवाने के लिए, ठीक है। गाँव में भी सब जानता है ये बात, समझ गए। उससे आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसमें घायल हुए हम हुए हैं, मेरा भाई सबको मार लगा, भीतर पहले मस्जिद में लगा, भीतर गया हमारे सबको, मस्जिद में कुछ मिला नहीं, अब बाहर में जब हम आए ना उस टाइम में वो सब कुछ लेके आया, ठीक है। तो ये सब सैर करा दिए, हमको मारने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हम भी मारे दूध, ठीक है। नुकसान क्या होगा, नुकसान पूरा शरीर चोट लगा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद आसिक आलम। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।